Yes, recording has started. Let me share the screen too. Oh, is it visible to everyone? The screen is visible to all? Yes, thank you so much. Okay, students, try to solve question number first. Do it question number first. From a bank, Ram and Shyam together took a certain amount under simple interest. And they lent the total amount to Mohan at 2% more simple interest. At the end of 4 years, the total money earned by Ram after paying the interest to the bank was rupees 400. At the end of the 4 years, the total money earned by Ram after paying the interest to the bank was rupees 400 more than the Shyam. From the bank, the total amount taken by Ram was how much more than that of Shyam? That we have to find out. So we have to find out the difference between Ram amount and Shyam amount. So yahan par aapko ye pata chal gaya hai ki Ram and Shyam ne dono ne separate amount liya hua hai.
Okay, now students pay attention. Let me explain this sum to everyone. See, यहाँ पर students क्या दिया है? From a bank, Ram and Shyam together took a certain amount. So let us see. हम लोग ये यहाँ पर consider करते हैं. राम ने ए लिया है ए अमाउंट और श्याम ने बी लिया है. क्लियर एवरीवन? दोनों ने अलग अलग अमाउंट बैंक से लिया है. तो टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा ए प्लस. क्लियर यहां तक सबको? इज दिस क्लियर एवरीवन? राम टुक ए अमाउंट, श्याम टुक बी अमाउंट फ्रॉम द सेम बैंक एंड टोटल दोनों का हो गया ए प्लस बी, जो वो लेंड करते हैं मोहन को एट 2% मोर सिंपल इंटरेस्ट. तो हमें ये पता नहीं है कि राम और श्याम ने कितने परसेंट पे लिया है. तो लेट अस कंसीडर रेट हम लोग पकड़ते हैं कि आर परसेंट पे लिया है. तो अगर उन्होंने आर परसेंट पे लिया तो स्टूडेंट्स वो मोहन को कितने परसेंट पे देंगे? आर प्लस 2%. यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस कर दो. यस, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये. ओके, तो पहले अभी हम लोग ये देखते हैं कि राम इंटरेस्ट पेड बाय राम टू बैंक कितना होगा? देखो व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर्मूला, टी इंटू आर इंटू टी अपॉन. मैं आपको समझा रहा हूं बट डोंट नो नीड टू राइट ऑल दिस थिंग इन एग्जाम, आप डायरेक्टली कर सकते हो. व्हाट इज प्रिंसिपल राम का? ए है, आर परसेंट पे है, टाइम कितना है स्टूडेंट्स? 4 years के लिए है, अपॉन व्हाट? 100. क्लियर एवरीवन दिस? ओके, ये हो गया इंटरेस्ट पेड बाय राम टू अ बैंक. सेम मुझे बताइए इंटरेस्ट पेड बाय श्याम टू बैंक कितना होगा? सेम ना, एक ही जगह खाली बी आ जाएगा. क्लियर एवरीवन? बी इंटू आर इंटू 4/100. बस देखो बहुत सिंपल है, ये हो गया क्लियर. ओके, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों अमाउंट मिला के वो किसको दे रहे हैं स्टूडेंट? ये दोनों अमाउंट मिला के वो किसको दे रहे हैं? मोहन को दे रहे एट व्हाट परसेंट? आर प्लस 2%. मतलब यहां से भी उसको इंटरेस्ट आएगा. So, पहले हम लोग ये करते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए, ए किसका अमाउंट है? ओके, नाउ स्टूडेंट सी पे अटेंशन. ओके, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए जो मोहन की तरफ से आएगा, क्या इंटरेस्ट होगा मोहन की तरफ से? प्रिंसिपल ए, व्हाट इज रेट? आर प्लस 2 इनटू व्हाट? हाउ मेनी फॉर 4 years डिवाइड बाय 100. ओके, अब सेम इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बी, ये शाम का होगा क्योंकि वो भी तो अमाउंट दे रहा है. बी इंटू आर प्लस 2, ये आर प्लस 2 इंटू 4/100. यस, इफ दिस क्लियर एवरीवन? ये अमाउंट कहां से मिलेगा? मोहन की तरफ से मिलेगा. ये चला जाएगा बैंक में. अब तो देखो
इंटरेस्ट पेड बाय राम टू बैंक इतना है और उसको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है मोहन से, तो उसको कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे. व्हाट विल डू, विल फाइंड डिफरेंस. और वो इंटरेस्ट होगा जो राम अर्न करेगा. राम अर्न वन मिनट राम अर्न क्या इंटरेस्ट होगा. अब इसमें से आप लोग उसको माइनस कर दो, ए इंटू आर प्लस टू इंटू फोर अपॉन हंड्रेड माइनस ये वाला कर दो, ए इंटू आर इंटू फोर अपॉन हंड्रेड. सो दिस विल गिव यू स्टूडेंट्स 8a/100. अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर वन. सेम श्याम का होगा, श्याम अर्न इंटरेस्ट कितना होगा देखो, सेम इन दोनों का डिफरेंस करो, ए की जगह खाली बी लिख दो, तो डायरेक्टली आप डायरेक्टली यहां पर क्या लिख सकते हो, 8b/100 सेम है ना, खाली यहां पर ए मिल गया तो आपको बी आराम से मिल सकता है. यस, तो मतलब आपको ये सेकेंड पार्ट जो बी वाला है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है. ओके, अब हमें क्या पूछा है, 400 मोर देन दैट ऑफ श्याम. एट द एंड ऑफ द टोटल मनी अर्न बाय राम आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट टू द बैंक वॉज रुपीज 400 मोर देन दैट ऑफ श्याम. तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 8a/100 माइनस 8b/100 विच इज इक्वल टू वॉट, कितना दिया है स्टूडेंट, 400. क्लियर एवरी वन दिस? ओके, नाउ वॉट इज आस्क्ड बाय देम. अब मैं पूछा क्या है, फ्रॉम द बैंक टोटल अमाउंट टेकन बाय राम वॉज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ श्याम. मतलब आपको ए माइनस बी निकालना है. क्लियर एवरीवन? सो 8 कॉमन हो जाएगा, ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 400 इंटू 100 वहां पर चला जाएगा, तो 8 5 40, मतलब ए माइनस बी कितना होगा स्टूडेंट, 5000. राइट डाउन दिस ऑप्शन नंबर. क्लियर एवरीवन? सो यहां पर दिस वॉज, अगर आपने राम का भी निकाल लिया तो ए की जगह खाली बी पुट करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है. आपको ये वाला स्टेप अगर आपने एग्जाम में नहीं लिखा, सी लेट मी टेल यू, सी बट जस्ट टू अंडरस्टैंड मैंने सब लिखा है. ये वाला स्टेप अगर आपने एग्जाम में ये वाला स्टेप नहीं लिखा, डायरेक्टली अगर आपको ये वाला मिलता है 8a/100, तो आप ए की जगह बी डाल दो और उसका डिफरेंस निकालो बस. क्लियर एवरीवन? यस, थैंक यू. Definitely, I will repeat the one. मैं एक पार्ट रिपीट करता हूं, सेकेंड पार्ट प्रियंका यू विल अंडरस्टूड. चलो मैं फिर से एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं. चलो नाउ पे अटेंशन. लेट मी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टू एवरीवन वंस अगेन. विल जस्ट सी वन पार्ट, सेकेंड पार्ट अभी आपको पता चल गया. सी यहां पर क्या बोला है, फ्रॉम अ बैंक राम एंड श्याम टुगेदर टुक अ सर्टेन अमाउंट अंडर द सिंपल इंटरेस्ट एंड दे लेंड टोटल अमाउंट.
मतलब यहां पर देख लीजिए, राम ने लिया ए अमाउंट और स्टूडेंट श्याम ने लिया बी अमाउंट, तो दोनों के मिलकर, दोनों का मिलकर क्या होगा, टोटल कितना होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी। इफ दिस क्लियर एवरीवन। और ये ए प्लस बी उन्होंने किसको दिया है, मोहन को, एट व्हाट परसेंट, आर प्लस टू। क्योंकि ये सपोज इन्होंने अगर ये वाला वैल्यू उन्होंने अगर आर परसेंट भी लिया है तो मोहन को कितना बोला है, देखो 2% मोर बोला है, तो आर प्लस 2% होगा। इफ दिस क्लियर एवरीवन। प्रियंका दिस क्लियर? यस। अब देख लीजिए, अगर राम ने ए अमाउंट लिया है तो राम आर परसेंट पे लिया, तो राम बैंक को कितना पे कर, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो राम बैंक को कितना पे करेगा, इंटरेस्ट पेड बाय राम टू बैंक, ये ध्यान में रख लीजिए। तो क्या फॉर्मूला है, पी, व्हाट इज पी, ए, व्हाट इज आर, ओनली आर विल कम, व्हाट इज टी, 4 इयर्स अपॉन व्हाट, 100। यस, क्लियर हो गया आप लोगों को ये? ओके। और उसको मोहन से कितना इंटरेस्ट, बिकॉज वो मोहन को पैसा लेके दे रहा है तो उसको मोहन से इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय राम फ्रॉम मोहन, देखो तो क्या होगा, व्हाट इज ए, ए प्लस बी। अब वो ए दे रहा है, टोटल अमाउंट दे रहा है, राइट, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। मोहन ने कितना अमाउंट दिया था, ए ही दिया था, बिकॉज मोहन ने ए लिया उतना पूरा दिया, तो यहां पर प्रिंसिपल ए हो गया, इनटू कितने रेट पे दिया, 2% मोर, तो ये आर प्लस टू हो गया, इनटू हो जाएगा 4 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। यस, ओके। अब देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है, वो आर परसेंट पे ले रहा है, देखो स्टूडेंट्स एक हमेशा ध्यान में रख लीजिए, अगर आप 10,000 लेते हो 2% पे, प्लीज पे अटेंशन, और आप 10,000 वही 10,000 आप देते हो 4% पे, तो आपको बेनिफिट कितना हो गया, 2% का, यस और नो? तो ये हमने कैसे निकाला, 4 में से मैंने ये 2 को मैंने माइनस कर दिया, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, वो हमने कैसे निकाला था डिफरेंस, ए इंटू आर प्लस टू इंटू 4 डिवाइड बाय 100, माइनस ए इंटू आर इंटू 4 डिवाइड बाय 100, विच इज इक्वल टू, ये हमारा अगर आप ये सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी व्हाट, 8a/100। बस ये आपका हो गया स्टूडेंट्स राम के लिए। और ये क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय राम आफ्टर पेइंग टू द बैंक, इतना राम के पास बचा। यस, अब वैसे ही मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, श्याम का निकालूंगा, तो श्याम के और राम में फर्क क्या है, खाली प्रिंसिपल का फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम है, तो मैं ए की जगह बी ले लूंगा, तो दैट विल बिकम व्हाट, 8b/100। अब इन दोनों का डिफरेंस 8a/100 माइनस 8b/100, विच इज इक्वल टू कितना अमाउंट दिया है, 400, तो ये मेरा हो जाएगा ए माइनस बी, कितना आया था स्टूडेंट, 5000। राइट डाउन, क्लियर प्रियंका दिस? अब होप सबको ये पता है ना, एटे कैसे आया। ओके, मैं ये भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एटे कैसे आता है, प्लीज पे अटेंशन, देखो मैं यहां पर समझा देता हूँ, सिंपल प्रोसेस है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू a इंटू r, ये हो जाएगा 4ar प्लस 4 इंटू 2, 4 2 8, और ये a, तो ये हो जाएगा 8a/100, माइनस ये है 4ar/100। अब देखो आई कैन राइट, ये जो 8 है इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता है ऐसे, तो
तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, देखो व्हाट आई विल डू, अपॉन 100 प्लस अपॉन 100, राइट? यस और नो स्टूडेंट? तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? 80 अपॉन 100. क्लियर प्रियंका देश? क्लियर एवरीवन? अब ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ले लीजिए होमवर्क के लिए, कल मैं आपको इसको दिखाऊंगा, आपको ट्राई करना. इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट. तो ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं. ओके, ट्राई दिस. संजय बोरोड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट एसआई एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 years, 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 years, एंड 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 years. If the total interest paid by him at the end of the 12 years is 6780, then how much money did he borrow? Do this, student, fast. छोड़न देखो क्या बोला है. संजय बोरोड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट एसआई रेट ऑफ 5% फॉर द 3 years, फॉर द फर्स्ट 3 years. तो मुझे बताइए टोटल कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 years. देखो फॉर द फर्स्ट 3 years एट 5% तो कितना होगा, 5 × 3 15% हो गया. क्लियर एवरीवन दिस? 10% फॉर द नेक्स्ट 5 years. फॉर ये सब आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. फॉर द नेक्स्ट 5 years 10% एट 10% मतलब कितना होगा, 10 × 5 50%. क्लियर एवरीवन दिस? एंड 12% पीरियड बियॉन्ड 8 years, तो कितना पकड़ोगे, बियॉन्ड 8 years मतलब कितना पकड़ोगे, 4 years एट 12%. कैसे, मैंने देखो बियॉन्ड 8 years कहां तक पूछा है आपको, एट द एंड ऑफ द 12 years. तो 12 में से अगर आपने 8 माइनस किया तो 4 साल के लिए बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 × 12 विच इज गोइंग टू बी 48%. इज दिस क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर हो गया? प्रियंका दिस क्लियर? यस. नाउ दे सेड इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड हिम, तो देखो इन सबका मिला के ये जो फिगर में दिया है वही उन्होंने करस्पॉन्ड फिगर दिया हुआ है, तो ये टोटल कितना होगा, देखो 113%. सो 113% विच इज इक्वल टू व्हाट, 6780. तो 1% कितना होगा, 6780 डिवाइड बाय 113.
which is going to be 60. So what is 100% going to be? Corresponds to 6,000. Write down this. अगर 1% का 60 है तो 100% कितना होगा? मल्टीप्लाई अगर आपने यहां पर 100 करोगे तो डेफिनेटली यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इतना ही था. तो ये आप ओरली भी कर सकते थे, नथिंग, खाली आपको परसेंट का जो रेट है उसका ऐड करके करस्पॉन्स टू 6780 दिया है. तो 1% का 60 होगा तो 100% का कितना होगा? बिकॉज आपको निकालना था कितना पैसा उन्होंने लिया हुआ है, तो उन्होंने 6000 लिया हुआ है. और 6000 पे अगर आप 113% निकालोगे तो वो आपको मिलेगा 780. तो दैट कम्स टू व्हाट? 6780. क्लियर एवरीवन? ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो. द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years 3% बोला है, फॉर नेक्स्ट 3 years 8% बोला है, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years 10% बोला है. If the man withdraws total amount 5320 after 6 years, then find the sum he deposited. Go fast. प्रियंका 15,200 नहीं होगा. प्रियंका प्लीज पे अटेंशन, यहां पर क्या बोला है. सी द रेट ऑफ, सी कॉमन थिंग है प्रियंका, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट इतना है, नेक्स्ट इतना इतना है. इफ मैन विड्रॉस टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ये है 5320, इसका मतलब. और हमें पूछा है फाइंड द सम, मतलब उसका जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल छोटा होगा 5320 से. क्लियर प्रियंका? बिकॉज प्रिंसिपल पे उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा, देन दिस अमाउंट कम्स. सो सी कैसे करोगे? सी अब मुझे बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है. 3 × 2 कितना होगा? फटाफट करते 6% हो गया. ये कितना होगा? 8 × 3 24% हो गया. और ये कितना होगा? एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years
10%, मतलब एक साल के लिए होगा, तो दैट गोइंग टू बी 10% ओनली. तो 24, 6, ये टोटल कितना हो गया, 40% हो गया, यस और नो? यस. अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि दैट अमाउंट बिकम्स व्हाट, टोटल अमाउंट, ये तो जमा किया हुआ है, लेकिन 6 इयर्स के बाद इसका क्या हो जाएगा, 140% होगा. सो वो अमाउंट करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, 5320, विच इज इक्वल टू 5320, बट 140% ऑफ व्हाट, 140% ऑफ प्रिंसिपल. सो आप देख लीजिए, P इज इक्वल टू 5320 इंटू 100 डिवाइड 140, 00 विल गेट कैंसिल. तो देखो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3800. राइट डाउन दिस प्रिंसिपल. क्लियर एवरीवन दिस? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट अप, मतलब कॉमन, ये हम लोगों ने कॉमन सेंस यूज किया है यहां पर. ओके अब देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसको मैं आपको उल्टा करके दिखा देता हूं. लेट्स पी सी, अगर मेरा प्रिंसिपल, लेट अस पे अटेंशन, अगर मेरा प्रिंसिपल 3800 है, तो उस प्रिंसिपल का अगर मैं 40% निकालता हूं, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1520 हो गया, यस और नो? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो गया. तो इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूं, 1520. तो देखो 5320 मिल रहा है. यस, क्लियर एवरीवन दिस नाउ? या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 3800 का आप डायरेक्टली 140% निकालो, तो आपको डायरेक्टली मिलेगा 5320. यस, कैसे भी करो. क्लियर दिस एवरीवन? ओके ग्रेट, चलो डू इट. क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो. Arnab deposited 14,500 in SBI mutual fund, which offers simple interest at the rate of 9%. The simple interest obtained from SBI, he deposited in Birla Sun Life mutual fund at the rate of 12% SI. If the time period of depositing in SBI and Birla were 2 years and 5 years respectively, then find total interest earned by Arnab. देखो बहुत simple question है, do it fast. चलो कौन मुझे बताएगा सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा?
स्टूडेंट्स क्या आंसर आया है आप लोगों का? ओके प्री ओके सी यहां पर स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन कैसे करोगे देखो. ओके सी अर्नब ने क्या किया है 14,500 प्रिंसिपल है राइट, और उसको उसने एसबीआई म्यूचुअल फंड में, तो इंटरेस्ट एसबीआई म्यूचुअल फंड से कितना मिलेगा इंटरेस्ट? व्हाट इज प्रिंसिपल 14,500, व्हाट इज रेट 9% पे, डोंट राइट परसेंट, राइट ओनली 9, एंड व्हाट इज टाइम इन एसबीआई, इट वाज फॉर 2 इयर्स, डिवाइड बाय 100, ये 2 0 गेट कैंसल्ड, so 145 into 18 which is going to be 2610. Clear this everyone? And then VC amount ko, the simple interest obtained from SBI was again deposited in a what? Birla Sun Life. Birla Sun Life. 2610 at the rate of 12% for 5 years upon 100. Clear this everyone? So this will be a 1566. अब इन दोनों का एडिशन करो, which is your answer, that is 4176. Yes, clear everyone? Okay, clear student is everyone? Yes. Okay, now we'll see students questions on compound interest. Just a moment. Okay, let me share the screen. Okay, is it visible everyone? Great. ओके ओके नाउ स्टूडेंट्स पे यहां पर हमें देखो क्या करना है, लेट मी एक्सप्लेन यू. सी दिस इज वेरी वेरी इजी फंडा, थोड़े सीआई के क्वेश्चंस हमें लगते हैं डिफिकल्ट होते हैं, बट इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना हमें लगता है. सी देखो बहुत सिंपल वैसे करेंगे. सी व्हाट वी हैव गिवन हियर प्लीज पे अटेंशन, ₹6100 वॉज पार्टली invested in scheme A at 10% CI bola hai, right? But for how many years? 2 years. And partly in scheme B at 10% simple interest for 4 years bola hai. And both schemes earn equal interest. How much invested in scheme A? Dekho, ab yahan par chota sa compound interest ka concept samjha lete hai pehle, wo dekh lijiye students. Main aap logo ko
I'll just explain here. What is compound interest concept? कंपाउंड इंटरेस्ट पता है ना स्टूडेंट, सपोज यहाँ पर कैसे होता है, सपोज अगर आप लोगों ने 10,000 किसी से उधार लिया है बोरो एट द रेट ऑफ 5% राइट, ओनली फॉर अ मंथ लिया है, तो मुझे बताइए 10,000 का 5% कितना होगा? यस 500 हो गया. यस लेकिन सपोज स्टूडेंट्स Due to a certain reason, let us please देखो मैं क्या कह रहा हूं. Due to a certain reason, if you are unable to pay that amount, so what is going to be happen? ये जो interest है जो आपको pay करना था, that will be added to your principal. So 10,000 जो आपका amount था, उसमें ये 500 आपका add हो जाएगा. So that will become what? 10,500 would become your new principal. Is this clear, everyone? और फिर ये new principal पे फिर उसे आपको लगेगा 5%. So that is called what? Interest by interest, which is called what? Compound interest. इसीलिए कहते हैं कि when you have a SIP in mutual fund, so why mutual fund is assuring you the more number of returns? Because it's based on what? Compounding. The more you invest for longer time, you will get what? More income. So यहाँ पर ये हो गया compounding का concept. Now, see, उसके फॉर्मूले देख लो क्या है. अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट अमाउंट विच इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1+R/100 रेज़ टू टी. राइट डाउन दिस. दिस इज फॉर व्हाट? फॉर एनुअली. क्लियर एवरीवन? अगर वही अमाउंट P 1+R/100 रेस टू टी, ये अगर पूछते क्वार्टरली, तो मुझे बताइए स्टूडेंट साल में कितनी बार क्वार्टर आता है? कितनी बार क्वार्टर होगा साल में? एनीवन? यस, बागेश्वर ने सही कहा कि चार बार क्वार्टर आता है, तो एक क्वार्टर इज इक्वल टू व्हाट? 3 months. क्लियर एवरीवन? तो साल में कितने मंथ्स रहेंगे? 12 months. तो डिवाइड बाय करो तो 4 quarters हो जाएगा. तो वेन एवर दे आस्क यू क्वार्टरली, तो आपको रेट को डिवाइड बाय 4 करना है और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है. प्लीज पे अटेंशन, दिस इज द फॉर्मूला. अमाउंट पी 1+R/100 रेस टू टी, फॉर हाफ ईयरली. हाफ ईयरली मतलब कितनी बार होगा? 2 बार, 6 months. तो यहां पर R डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर एवरीवन दिस? ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग लर्न कर रहे हैं. उसके बाद सबको पता है व्हाट इज अमाउंट इज इक्वल टू? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. ये एक फॉर्मूला है. अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यस और नो? सो व्हाट इज अमाउंट का फॉर्मूला एनुअली का? ये है पर एनम P in bracket 1+R/100 raised to T minus P. Clear this? So what is students common? P is common. What is inside? 1+R/100 raised to T minus 1. Write down. This is actual formula of compound interest. दिस क्लियर एवरीवन? लिख लिया आप लोगों ने ये?
ये स्टूडेंट ये हो गया, लिख लिया आप लोगों ने इसे। ओके ओके सपोज स्टूडेंट्स यहां पर अगर आपको पूछते हैं, आपको मैं दो वे बता रहे, बहुत सारे वेज है सीआई फाइंड करने के लिए। सपोज आपका प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स 10,000, आपका रेट है 10% और आपको निकालना है 2 साल के लिए। यस, कैसे करोगे 2 साल के लिए कैसे निकालोगे? देखो सिंपल टेक्निक है, 2 साल के लिए आपको निकालना है तो ये होगा फर्स्ट साल, ये होगा, ऐसे करो। ओके मुझे बताइए 10,000 का 10% पहले कितना होगा? फास्ट टेल मी 10,000 का 10%। यस दैट इज 1,000। यहां पर लिखो 1,000। अब ये 1,000 यहां पर आ जाएगा, सेकेंड ईयर वो कैरी होगा। अब मुझे बताइए 1,000 का 10% कितना होगा? 1,000 का 10% 100, वो यहां पर लिख दो बस। सो ये बन जाएगा 1,100। सो टोटल सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स? 1,000 पहले साल का, दूसरे साल का 1,100, मतलब कितना हो गया 2,100। राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन दिस? यस, नाउ लेट्स पे और सेकेंड मेथड कौन सा कर सकते हैं हम लोग? और अगर आपको ये पता है कि रेट अगर 10% दिया है पर एनम तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा रेट में, तो देखो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला लिख लीजिए 10 प्लस ओके इंस्टेड ऑफ दैट आई जस्ट गिव यू दिस, फॉर 2 इयर्स के लिए दे रहा हूं। आप डायरेक्टली परसेंटेज निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। राइट डाउन दिस। सो व्हाट इज ए? रेट 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। सो ये 10 प्लस 10 हो गया 20, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 1 into 1 हो गया 1, तो ये हो गया 21%। अब देखो डायरेक्टली सीआई कैसे निकलेगा। सीआई आपका प्रिंसिपल कितना है? 10,000 इंटू परसेंट से मल्टीप्लाई करो, 2 साल का कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 21%। 2 जीरो कैंसिल हो गया, देखो डायरेक्टली आंसर आया 2,100। राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन दिस? Okay. Is this clear, everyone? Let us see. Okay, now I'll just show you for 3 years कैसे करोगे? Please pay attention. देखो यहाँ पर 3 years देख लीजिए अभी. देखो अब 3 इयर्स के लिए क्या करोगे, ये थर्ड यहां पर आ जाएगा, तीन साल के लिए और एक चार्ट बढ़ाओ थर्ड। अब ये जो 1,100 अमाउंट यहां पर आ जाएगा,
अब मुझे बताइए 1100 का 10% कितना होगा, 1100 का 10% स्टूडेंट्स, फास्ट, यस वेरी गुड भाग्यश्री, इट इज गोइंग टू बी 110, तो ये ऐड करो, ये हो जाएगा 0 1 2 1 2 1 0, तो टोटल सीआई कितना होगा 1000 प्लस 1100 प्लस 1210, नहीं तीनों को पकड़ना है भाग्यश्री, ये 1 2 और 3, 3 साल का निकाल रहे ना, 0 1 3 3, कितना हो गया 3310, क्लियर एवरीवन दिस, यस। अगर आप लोगों को, अगर आपको सपोज ये पर एनम 10% अगर आपको 3 साल का अगर पता रहेगा परसेंट वैल्यू, तब डायरेक्टली 10,000 को मल्टीप्लाई करो, तो कितना वैल्यू है कैसे निकालोगे देखो, 1 प्लस R/100 रेस टू टी माइनस 1, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखो कैसे करोगे, बाद में आप आराम से उसको याद रख सकते हो, बाहर हो जाएगा 1 प्लस R 10 है, अपॉन 100 रेस टू कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, माइनस 1, तो 10 1 10 10, सो 10 प्लस 1, 10 1 10 प्लस 1, यहां पर 1 होगा 11, सो 11/10 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1, तो 11 क्यूब होगा 1331 माइनस 10 का क्यूब होगा 1000, यहां से माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे होगा 1000, क्लियर दिस एवरीवन, सो आंसर इज व्हाट 331 डिवाइड, मैं इसको ऐसे स्प्लिट करता हूं 10 into 100, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा 33.1%। तो स्टूडेंट्स आपको देखो क्या समझ में आया है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा अभी, कि अगर 2% के लिए होता है, देखो रेट अगर 10% है और 2 इयर्स के लिए है तो परसेंट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, अगर रेट 10% ही है लेकिन 3 साल के लिए तो कितना होगा 33.10%, इज दिस क्लियर एवरीवन, ओके। आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे, अगर ये वैल्यू आपको बाहट है 33.1 फॉर व्हाट 3 इयर्स के लिए 10% के लिए, तो आप क्या करोगे 10,000 को मल्टीप्लाई बाय करोगे 33.1% से, तो आपको आंसर आएगा 3310, क्लियर दिस एवरीवन, तो ये वाला कहीं पर लिख के रख लीजिए, दिस इज वेरी आईएमपी, और यही हमें आने वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाला है, और जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए सीआई कुछ भी नहीं है। चलो नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ₹6100 वॉज पार्टली इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, देखो बहुत सिंपल वे से करता हूं मैं, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल वे है स्टूडेंट्स, देखो यहां पर क्या बोला है, 6100 का पार्टली मतलब यहां पर x होगा और ये हो जाएगा 6100 - x, ये तो हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट में, ए 10% सीआई मतलब ये वाला सीआई पे है, रेट है 10% और ये 2 साल के लिए है, ओके, और ये पार्टली इन स्कीम बी, ये स्कीम बी है 10% पे ये भी, लेकिन ये स्टूडेंट्स है ये 4 साल 4 साल के लिए है, और बोले बोथ द स्कीम्स ऑन इक्वल इंटरेस्ट, मतलब दोनों का इक्वल इंटरेस्ट है, मतलब यहां पर सीआई का इंटरेस्ट और एसआई का इंटरेस्ट दोनों इक्वल है, तो व्हाट इज सीआई पर प्रिंसिपल वैल्यू एक्स है इनटू 10% पर आने में 2 साल के लिए, तो कितना होगा सीआई, अभी देखा था 21%, यस और नो, विच इज इक्वल टू एसआई कितना है 6100 - x इंटू 40%, 10 into 4 40% होगा, सो ये 2 जीरो कैंसल हो गए, सो दिस वुड बी 21x, मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 1 4 6 4 24 244 होगा, -40x, सो दिस वुड बी यहां पर आके 61x विच इज इक्वल टू 244000, so what is x going to be,
4000. राइट डाउन दिस, बिकॉज 61 का 4, 61 इंटू 4 करोगे तो आपको मिलेगा 244. तो बहुत सिंपल वे है, यहां पर यही आपको मेन है स्टूडेंट्स, ये बस. ओके प्रियंका, दिस क्लियर एवरीवन? भाग्यश्री, चलो ओके चलो ओके. अब ये वाला आप लोग ट्राई करो फास्ट. लता हैड 40,000, शी इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन स्कीम एट सीए, 15% बोला है, and the remaining amount in scheme B at 10%. If she got the same interest from both the investment at the end of the 1 year, आप देखो यहाँ पर students बहुत simple case है, 1 year के लिए बोला है, मतलब 1 year के लिए आप CI और SI दोनों equal होता है. तो यहाँ पर क्या होगा देखो, suppose आया वो 40,000, जिसमें से X यहाँ पर गया और 40,000 minus X यहाँ पर आ गया. CI ये 15% पे है, लेकिन 1 year के लिए ही है, ये भी 1 year के लिए, लेकिन ये 10% के लिए है. तो क्या होगा, 1 year के लिए SI और CI सेम रहेगा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 15% ऑफ X, विच इज इक्वल टू 40,000 माइनस X इंटू 10%, दैट्स इट. सो दिस 20 विल गेट कैंसल्ड, तो 15X, ये माइनस 10x यहां पर आके प्लस 10x हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, और ये हो जाएगा 4 lakhs. तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 25x, विच इज इक्वल टू 4 lakh. सो व्हाट इज x इज इक्वल टू 16,000. राइट डाउन दिस. और हमें क्या पूछा है, How much did she invest in scheme B पूछा है ना. तो ये स्कीम ए है, ये स्कीम बी है, तो क्या करोगे, 40,000 में से 16,000 माइनस करो, तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 24,000. ये आपका आंसर हो गया. क्लियर? 1 year के लिए ऐसा एंड सी है, बोथ रिमेन सेम. नाउ यू कैन डू दिस, फोर्थ यू कैन ट्राई इफ यू कैन. फोर ट्राई करो. एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,10,000 इन्वेस्टमेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एनुअली, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years. ट्राई दिस स्टूडेंट नाउ.
ओके प्रियंका गॉट आंसर बी. यस प्रियंका, वेरी गुड. तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, एज वी डिस्कस अर्लियर, सी आपको निकालना है इंटरेस्ट, राइट. अमाउंट आपको पता है, व्हाट इज प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, 1,10,000. इफ द रेट दिया है, आपका रेट है 11%, 2 साल के लिए बोल रहे, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था डायरेक्ट निकालने के लिए, 11 प्लस 11 प्लस 11 इंटू 11 डिवाइड बाय 100, यस और नो. सो 11 प्लस 11 होगा 22, प्लस ये होगा 121/100, विच इज गोइंग टू बी 1.21, सो दैट इज 23.21%, यस और नो. सो फाइनली तो आपका सी आई क्या होगा, 1,10,000 इंटू 23.21 का निकाल दो, उसका 2 जीरो नीचे आएगा और 200 का परसेंट का, ये 4 जीरो, ये 0 कैंसिल हो गया, आंसर होगा 25531. यस, राइट डाउन दिस, क्लियर एवरीवन. ओके ओके ये करो पांचवा फास्ट. फाइंड द सी आई ऑन रुपीज 12,000 फॉर 2 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 3% पर एनम. तो 3 ईयर्स के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 प्लस 3 6, आई थिंक सो इट शुड बी 6.09. करो फास्ट फास्ट, आपको आना चाहिए अभी, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया. कितना होगा परसेंट, क्या होगा 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल के लिए, क्या परसेंट होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 100, राइट. सो होगा 6 प्लस 3 इंटू 3 9, सो 0.09, सो इट इज गोइंग टू बी 6.09%. सो व्हाट इज एसीआई, 12,000 इंटू 6.09 अपॉन 100, और 100 होगा, तो 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन, आंसर इज गोइंग टू बी 7,308.8. क्लियर एवरीवन, सिंपल, बहुत सिंपल है, होप अभी आपको समझ में आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इजी है. चलो ट्राई क्वेश्चन नंबर 6. A man invests equal sum at the rate of 10% per annum CI and simple interest respectively for 2 years. After 2 years, the difference between the compound interest and simple interest rupees 1,000. Then the sum is what? काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये. Let's see who can try this. Okay, anyone who can let me know answer very quickly. हमेशा आपको याद रखना है students, whenever they ask you difference between CI and SI for the same years, so definitely CI would be more than SI. हमेशा ध्यान में रखना है. तो यहां पर देखो clearly बोला है CI and SI का difference कितना दिया है, 1,000. सबको पहले CI और SI पता होना चाहिए. क्लियर एवरीवन, कैसे करोगे, प्रियंका आ रहा है किसी को, भाग्यश्री,
दीपना, आरती, प्राची, नुपुर, सर्वेश, स्नेहा, तहरीन, सी यहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला है, अ मैन इन्वेस्ट इक्वल सम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सी आई. देखो प्रिंसिपल दोनों तरफ सेम है, एक्स यहां पर भी एक्स होगा, इक्वल सम बोला है, 10% ये सी आई वाला है और ये एस आई वाला है, 10% यहां पर रेट कितना है 10% है, सिंपल इंटरेस्ट का भी रेट 10% ही है क्या, हाँ यस 10% है, टाइम कितना बोला है फॉर टू इयर्स, यस तो एस आई का तो कितना होगा 20% ऑफ एक्स होगा, वो तो सबको पता है, माइनस अब मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर आना में दो साल के लिए कितना होगा स्टूडेंट्स, फास्ट क्या परसेंट होगा दो साल के लिए, 10 + 10 + 10 × 10/100 वुड बी व्हाट, 21% ऑफ एक्स, स्टूडेंट्स फास्ट करो फास्ट, तो हो गया 1x/100 विच इज इक्वल टू 1000 बोला है ना ये वाला फिगर, तो फाइनली एक्स इज इक्वल टू व्हाट 1000 × 100 ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 लाख हो गया, राइट डाउन दिस, बहुत सिंपल था. चलिए होप दिस क्लियर एवरीवन, ओके ओके नाउ ट्राई 7, सेम क्वेश्चन है 7 ट्राई करो. क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंपल है ना, एन अमाउंट इज गिवन एट इंटरेस्ट ऑफ 8%, वो दोनों तरफ सीआई एंड एसआई पे एक ही अमाउंट दिया हुआ है, सेम अमाउंट है तो सेम होगा, अब एसआई कितना होगा, एसआई का कितना रेट होगा, एसआई होगा 8 × 16% पे, और सीआई कितना होगा शायद 8 + 8 = 16, 8 × 8 = 64, 16.64%, यस और नो, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना सिंपल है स्टूडेंट, डिफरेंस कितना होगा 0.64, ओरली यू कैन डू दिस ओरली वंस यू अंडरस्टूड दिस मेथड, 0.64 ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस कितना है 352, अपॉन 100 क्योंकि परसेंट में है ना, तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट 352 × 100 / 64, ये भी उसका पॉइंट का 100 ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 55 lakh 55,000, सॉरी यस राइट डाउन दिस, क्लियर एवरीवन दिस, होप ये क्लियर हो गया सबको, 16.64 कहां से आया, क्योंकि 8% पर एनम बोला है और कंपाउंड इंटरेस्ट दो साल के लिए है, तो क्या फॉर्मूला है 8 + 8 + 8 × 8/100, ओरली कर सकते हो, 8 + 8 हो गया 16, 8 × 8 = 64/100 which is going to be 16 + 0.64 which is going to be 16.64, ऐसे आया, क्लियर एवरीवन, ओके अब क्लियर, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को,
प्रियंका क्लियर दिस? ग्रेट, चलो ट्राई दिस नाउ. द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड हियर व्हाट इज द रेट पूछा है. अब यहां पर रेट निकालना है. अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए. सी, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू व्हाट? डिफरेंस होगा 1/6, विच इज ऑलरेडी गिवन. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. एक पता होना चाहिए प्रिंसिपल और एक पता होना चाहिए रेट. सेम यहां पर एक प्रिंसिपल और रेट पता होना चाहिए आपको. यहां पर देखो स्टूडेंट्स, सेम रेट, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी. आपको ना प्रिंसिपल पता ना रेट पता, दोनों में से कुछ भी नहीं पता. दोनों में से एक भी अगर पता होता है तो वी कुड हैव डन. अगर सपोज मुझे यहां पर अगर प्रिंसिपल पता होता तो आई कुड हैव फाइंड रेट. तो यहां पर हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इट मीन्स व्हाट? डेटा इनएडिक्वेट. राइट डाउन दिस. बहुत सिंपल था. Yes, next see. Okay, now students, you can try this fast. Chalo, ye karo fatafat. What is the difference between CI and SI? Okay, on an amount 16,002. Abhi hume actually difference nikalna hai. Abhi tak wale question mein difference diya tha. Now here we have to find difference. What is the difference between CI and SI on amount 16? This is principal is given. At 3 years ke liye pucha, at the rate of 25%. तो मेरे हिसाब से 16,002, पहले एसआई ले लो. एसआई कितना होगा? 16,200 का 25 × 3 = 75% हो जाएगा. दिस 20 विल गेट कैंसल्ड. इज दिस क्लियर एवरीवन? क्लियर? यहां पर ये अमाउंट निकालो, यस और एल्स. आप क्या कर सकते हो, दूसरा एक मेथड आपको दिखा देता हूं. सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है. देखो एसआई का रेट क्या होगा? एसआई 75% होगा. ओके, मुझे बोलो सीआई, बोलो फटाफट क्या होगा सीआई? तीन साल के लिए है तो मैं आपको 25 + 25 नहीं होगा, वो 2 साल के लिए होता है. 3 साल के लिए क्या होगा? देखो 25 का याद कर लीजिए, 3 साल के लिए ऑब्वियसली मोर देन 75 होगा, विच इज सी आई 3 ईयर्स. अगर रेट अगर 25% होता है, प्लीज पे अटेंशन, रेट अगर 25% होता है, टाइम अगर 3 साल के लिए होता है, तो सी आई का परसेंट कितना होगा? 95.3125%. राइट डाउन दिस. 95.3125. अब अप टू 2 decimal तक लोगे तो भी चलेगा. अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, विच इज 20.3125%, और वही डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 16,200 करो.
सो आपको मिलेगा डिफरेंस. और ये पॉइंट के बाद वाले भी नीचे आ जाएंगे जीरो. सो अप्रोक्सीमेटली 3290.63. राइट डाउन दिस, ये आपका आंसर हो जाएगा. अब 20.31 तक भी ले सकते हो, नॉट एन इश्यू. लेकिन ये 1+25/100 √3 ऐसा करना पड़ेगा आपको, तो आपको मिलेगा 95.3125%. राइट डाउन दिस, इससे 25 + 25 = 4 = 5 125 - 64/64 this way it will come. क्लियर दिस? और ये आपको परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करो. सो 61 6100/61 विच इज इक्वल टू ये वाला फिगर. राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन दिस? चलो ये करो क्वेश्चन नंबर लास्ट, फास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करो. और कल हम लोग और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो मेंस लेवल की है, ऑलमोस्ट उसी लेवल के क्वेश्चन थे. कल हम लोग मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे जो नॉर्मली सिमिलर टाइप के होते हैं. ओके, आपको सिंपल इंटरेस्ट 14,400 दिया है स्टूडेंट्स, एसआई दिया हुआ है, 14,400 दिया है ऑन अ सर्टेन, मतलब आपको पी निकालना है. आपको रेट दिया है स्टूडेंट्स 9% और आपको टाइम दिया है 5 साल का. पहले इससे प्रिंसिपल निकालो. व्हाट इज प्रिंसिपल फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/R × T. यस और नो? सिंपल इंटरेस्ट 14,400 × 100. आर कितना है? व्हाट इज आर? 9 × 5. सो 9 16 = 520. तो ये हो जाएगा 32,000. ये आपका हो गया प्रिंसिपल. आप ये प्रिंसिपल आपको निकालना है सीआई, तो पहले सीआई का परसेंट निकालो. कितने साल के लिए पूछा है? 2 साल के लिए 4%. कितना होगा 2 साल के लिए 4%? चार प्लस चार आठ, 8 × 16 मतलब 8.16. 32,000 का 8.16%. तो कैसे होगा? 32,000 × 8.16/100 3 जीरो, यहां से 3 जीरो कैंसिल हो गए. तो ये जो आपका 6 × 2 = 12 होगा, सब में 2, इधर इधर भी 2 है और इधर भी 2 है. तो ये तो दो ऑप्शन चले गए. आप जब कैलकुलेशन करोगे, व्हाट यू विल गेट? 2611.
2611. Write down this. Clear this. So एक बार आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए. एक टेबल आपको ये लिख लिया आप लोगों ने, मैं आपको एक टेबल दे देता हूं. सिंपल है, वैसे नॉट रिक्वायर्ड है, बट अगर आप याद रखते हो तो रख लीजिए. इज दिस रिटन बाय यू एवरीवन? लिख लिया आप लोगों ने ये? टेबल ले लो एक. अब देखो, रेड 2 years लिखो और 3 years लिखो. मोस्टली आपको 4 years के लिए नहीं पूछते हैं. रेट अगर 2% होगा, 2 साल के लिए निकालना है तो लिख लीजिए 4.04% होगा. 3 साल के लिए, अब देखो 3 साल के लिए कैसे याद रखना है स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू. इतना भी चलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो यहां पर कैसे याद रखोगे, 3 × 2 करो, 3 × 2 = 6, और 4 × 3 करो, 4 × 3 = 12, एंड वाला. नेक्स्ट देखो 3%, 3% का क्या था स्टूडेंट, 6.09%. 2 साल के लिए तो आप आराम से निकाल सकते हो. 3 साल के लिए कैसे याद रखोगे, देखो 3 × 3 कितना, ये 3 और ये 3 कितना होगा, 3 × 3 कितना होगा, 9. ओके और 9 × देखो यहां पर देखो, जस्ट मुझे थोड़ा सा आपको याद दिलाना दो. देखो प्लीज पे अटेंशन, कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल, वैसे आप इसको याद रख सकते हो. देखो प्लीज पे अटेंशन, ये आपको समझ में आ गया 2%. क्लियर. नाउ 3 years का कैसे लिखोगे, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, ये 6 × 2 करो, 12 हो गया. क्लियर. आप देखो 3 years के लिए 3%, सो कितना होगा, 6.09% होगा 2 साल के लिए. और इसका कैसे करोगे, देखो 3 × 3 करो, 9, और ये 6 और ये 9 × 3 करो. जैसे 6 × 2 किया था तो 12 मिला, वैसे देखो 9 × 3 करो, 27 मिलेगा. क्लियर एवरीवन दिस? सेम देखो 4% के लिए क्या करोगे, 4 × 4 = 8, 8.16 होगा. तो 4 × 3 करो, ये 4 और ये 3, 12 होगा. ओके, अब ये 12 × 4 करो, 12 × 4 = 48 हो गया. क्लियर, याद रहेगा आप लोगों को. सेम 5% कितना होगा, 2 साल के लिए तो आप आराम से निकालोगे, 10.25. Yes, so 5 × 3 = 15 और 15 × 5 = 75, तो यहां पर खाली 76 लिख दो, बस एक फिगर बढ़ा देना, उससे हार्डली मैटर करेगा कुछ. होप दिस क्लियर एवरीवन. तो 2 साल का बना सकते हो, तो उससे आप 3 साल का आराम से याद रख सकते हो. सो 10% का कितना रेखा था, 10% का ये 21 होगा, तो ये कितना होगा, 3 साल के लिए 33.10. राइट डाउन दिस.
अगर 4 ईयर्स के लिए पूछा कौन सा 10% का पूछ सकते हैं तो भी लिख लीजिए 46.41, ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना होगा, 25 + 25 + 625/100 मतलब 56.25 हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, अभी मैंने बताया था ना व्हाट वाज दैट 95.3125 31 खाली अप टू 2 डिजिट तक याद रखो। क्लियर एवरीवन दिस? वैसे आप 20 साल का भी निकाल सकते हो, 20 इयर्स का भी निकाल दो कितना होगा, और 15 इयर्स का भी निकालो। क्लियर एवरीवन? ओके, क्लियर हो गया ये आप लोगों को? यस। तो आप लोग घर पे क्या करो स्टूडेंट, 15% के लिए 2 साल का और 20 उसका ये निकालो। थैंक यू स्टूडेंट। चलो, बहुत कुछ सीखने मिला हमें आज, कल हम लोग और हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। यस, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।